नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुकराम, बात करते हैं दिल्ली दंगों से जुड़े एक नए अपडेट के बारे में। दिल्ली दंगों से जुड़े कुछ लोगों को जिन पर आरोप था साजिशकर्ता, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने माना था, उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। तीनों बड़े नाम है, तीनों पर बड़ा विवाद रहा है और पिछले एक साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तीनों जेल में बंद थे। दो पिंजरा तोड़ की सदस्य थी, पिंजरा तोड़ एक ग्रुप था जो कुछ छात्रों ने मिलकर बनाया था, और एक जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र था आसिफ इकबाल तन्हा। तीनों को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। किस बिहाफ पे जमानत दी है और क्या क्या शर्तें के साथ जमानत मिली है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले अपील वही है कि वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और बाकी तमाम अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलते हैं इस खबर की तरफ जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। यहाँ पर आज यानी कि 15 जून को UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए आसिफ इकबाल तन्हा, जो NRCCA के प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, और उसके बाद जब दिल्ली में दंगे हुए तो इन्हें साजिशकर्ता माना था दिल्ली पुलिस ने, और फिर इन्हें फरवरी यानी मार्च के महीने में शायद इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद ये आज तक जेल में बंद थे। वैसे तो और भी बड़े नाम है जो अभी तक जो छात्र रहे हैं, जैसे खालिद, वो अभी तक जेल में बंद है। इसके अलावा पिंजरा तोड़ के कई सदस्य ये जेल में बंद थे, तो इनको जमानत दी है दिल्ली पुलिस ने और सभी से 50,000 रुपये का बॉन्ड भरवाने के साथ साथ इनको जमानत दी गई है। जो दोनों पिंजरा तोड़ के सदस्य थे जिनका नाम है नरवाल और कालिता, इन दोनों को दिल्ली दंगों से जुड़े ही एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और इन पर जो केस लगा था FIR 59 के तहत, इसमें इन्हें फिलहाल जमानत मिली है। पहले इन्हें कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन मैं जैसा बता चुका आपको कि कुछ और बड़े मुकदमे थे जिसमें UAPA एक अहम है, जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी अभी तक थी और ये जेल में बंद थे, लेकिन आज इन्हें जमानत दी गई है। कुछ शर्तें रखी गई हैं कि जो पुलिस को पता दिया है वहीं पर रहें और कोई भी बाहर ना जाए, पासपोर्ट अपना न्यायालय में जमा कराएं, साथ ही अगर पता बदलते हैं तो SHO को आपको सूचना देनी पड़ेगी। हाल में एक चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि आसिफ तन्हा को शायद अंतिम जमानत दी गई है 2 हफ्ते के लिए, जिससे वो अपने एग्जाम दे सके और 26 जून तक शायद उनकी ये जमानत रहेगी। हो सकता है उसके बाद उनकी गिरफ्तारी फिर से हो जाए, फिर से उन्हें जेल जाना पड़े। लेकिन दोनों जो सदस्य थे नरवाल और कालिता, इन दोनों को अब कंप्लीटली जमानत मिल चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया जमानत का और कहा है कि आसिफ इकबाल तन्हा साजिशकर्ता थे मुख्य, जिसकी वजह से दिल्ली में साजिशन दंगे कराए गए, उनकी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस चीज का विरोध भी हुआ, लेकिन फिलहाल जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल और जस्टिस अनूप जयराम भवानी ने तीनों को 50,000 रुपये के बॉन्ड के साथ और 2 गारंटरों के साथ, जो स्थानीय गारंटर दिल्ली के थे, उनके आधार पर जमानत दे दी है। मैं आपको बता दूं कि पिंजरा तोड़ की ये सदस्य देवगाना 4 मामलों में अभी तक केस का सामना कर रही थी और नताशा 3 केस का सामना कर रही थी। दोनों को पहले कुछ मामले में जमानत थी, लेकिन अब फाइनल जमानत अब मिली है और उसके बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बताते चलो कि दिल्ली में जब दंगे शुरू हुए 23 फरवरी की शाम से, जब मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे NRCCA का प्रोटेस्ट चल रहा था, एक भीड़ आती वो उसका विरोध करती है, उधर से वो उनका विरोध करते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। उस दिन तो हालात किसी तरह काबू होते हैं, लेकिन अगले दिन 24 फरवरी के बाद चांदबाग के बाहर से हिंसा शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले एक पुलिस हेड कांस्टेबल की जान जाती है, उसके बाद आग भड़क जाती है और उसके बाद 53 से ज्यादा लोगों की मौत जो बताई जाती है कि वो हुई थी, हजारों लोग बेघर हो गए थे। उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने अपने घर वापस लौटना शुरू किया, लेकिन तमाम मार्केटें जलाई गई, तमाम लोगों को निशाना बनाया गया, ढूंढ ढूंढ के मारा गया और नाले में फेंक दिया गया। बहुत बुरी हिंसा हुई थी, वो भी दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर। तो ये सब हुआ था, उसके बाद जमानतकार कोर्ट कार्रवाई का प्रोसेस सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसको लेकर मैं हमेशा आपके सामने आ जाता हूँ, कोई भी अपडेट होता आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। लिस्ट बनी है पहले लिस्ट, अगर आपको कोई भी पुराना अपडेट देखना होगा पिछले 1.5 साल का तो आप सारे देख सकते हैं जाकर। उसके अलावा ग्रांट रिपोर्ट जो भी कुछ हुआ था उस दौरान हम लोगों ने कवरेज किया था आप लोगों के सामने है। बाकी ये फिलहाल 3 बड़े नाम थे जिनको पर काफ़ी गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए थे, तो फिलहाल अब तीनों को भी जमानत मिल चुकी है और ये तीनों भी बाहर आ चुके हैं। अब आप लोगों का क्या कहना, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।